तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि पूरी रात भ्रमण करते हुए जब हम लोग पूरी तरीके से थक जाते हैं, इसके बाद हम चले जाते हैं अपने बस स्टैंड और सुबह 4:30 बजे वाली बस पकड़ के निकल पड़ते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। बट बिलीव मी, ये जो 12 घंटे की यात्रा है आपकी, बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है। भाई साहब, जस्ट अभी पहुँचे हैं पीपल कोटी और यहाँ से बद्रीनाथ अभी 75 किलोमीटर हैं। मेरे दोस्त की तो हालत ख़राब है, उसे बहुत ज़्यादा पलटियाँ हो रही हैं, यू नो एनर्जी बची नहीं है उसके पास। फर्स्ट टाइम वो इस तरह की यात्रा कर रहा है ना, दैट्स वाई। और जब हम आ रहे थे उस टाइम हमने खा लिया था बन मक्खन, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा नुकसान करता है इस तरह की यात्रा में। मैंने ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पर, हालाँकि मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मैं तो एकदम यू नो जैसे था वैसा हूँ, बस नींद नहीं पूरी हो रही है, पार्शली नींद पूरी करना पड़ रहा है, बिकॉज जो सीट्स हैं ना वो बहुत बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं यार। यानी कि छोटी सी बसेस होती हैं, सीट बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, हेडरेस्ट भी नहीं होता है, तो बस यू नो किसी तरह काम चला के आपको 12 घंटे यात्रा करनी है, इसके बाद आपको दर्शन मिल पाएंगे। सो अभी यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ, चलते हैं कुछ खाने पीते हैं। खाने पीने के लिए ही आपको रोका गया है, बस चलते हैं। हाँ जी, तो हो गया खाना पीना। मैंने खाया एक आलू का परीठा, जो कि मिलता है यहाँ पे तकरीबन 45 रुपये का या 50 रुपये का या 40 रुपये का, क्योंकि पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका है। पैसे नहीं थे, पैसे निकाल लिए हैं, अब चलते हैं अपनी बस पे, फिर पहुँचते हैं बद्रीनाथ, फिर आपसे बात करते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग रुके हैं यहाँ पे, मेरी बस में कुछ हो गई है समस्या, मेरी बस यानी हमारी बस में कुछ समस्याएं हो गई हैं, तो ड्राइवर साहब चेक कर रहे हैं उसमें क्या समस्या हुई है। और मैं जस्ट अभी देखिए नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहा हूँ यहाँ पे, बस इसी तरह चलते हैं। यहाँ से बद्रीनाथ सिर्फ 70 किलोमीटर बचता है, और मे बी 60 किलोमीटर, बिकॉज पीपल कोटी से 75 किलोमीटर था, हम लोग आगे आ चुके हैं, तो मे बी 70 या मे बी 60 किलोमीटर, इसी तरह कुछ बचना चाहिए। फिर जब आप ऑलमोस्ट बद्रीनाथ पहुंचने वाले होते हैं, तब आपको कुछ इस प्रकार के नज़ारे दिखाई पड़ते हैं, जो कि मैं कहूंगा बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करने चाहिए। हेलो जी, तो हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ। क्या बात है, तब कैसी रही जर्नी आपकी? सो एक्साइटेड 50 बार उल्टी किए हैं, सो एक्साइटेड। क्या बात है। वेलकम टू बद्रीनाथ धाम। 6 डिग्री टेम्परेचर है राइट नाउ, और रात को दिखा रहा है -2 डिग्री सेल्सियस। अभी तो ठीक ठाक है, पैर में थोड़ी से यू नो चुभन होने लगी है, ठंडाहट। क्या बोलोगे भाई, हैं क्या बोलोगे? मज़ेदार। आते मान इन्होंने स्वागत किया है बिल्कुल यू नो इस तरह करके, लेकिन भाई जो व्यू आ रहा है ना, गजब, ये देखिए क्या बात है।
सुविधा दिखाओ। बोलो क्या बोलना है? बस यही बोलना है। हाँ वहाँ जाना है। कहाँ जाना? वो ऊपर। इनका इनकी अभी यहाँ आने पड़ गई बस से, वहाँ जाएंगे ये। क्या बात है, वहाँ पता है वे ग्लेशियर में कोई नहीं जाता है, मर मुरा जाएंगे। इग्लू बनाएंगे, इग्लू बना के रहेंगे वहाँ, पता है मतलब होगा वही तकरीबन -10 के आसपास होगा टेम्परेचर। मजा आ जाएगी भाई, मजा ना आ जाए फाड़ जाए, मजा आ जाए। सो ये जो मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, वहाँ से एक रास्ता गुजरता है, वो जाता है माना विलेज की तरफ। माना विलेज जिन लोग को नहीं पता, वो भारत का लास्ट विलेज है, वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे देखना पड़ेगा, मेरे को बस ऐसे ही मतलब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आपको मेरे हिसाब से तो यही है। अभी हम लोग कोई देख रहे हैं होटल या फिर कोई रूम, और फिर इसके बाद रुकते हैं वहाँ पे, फिर जाते हैं नहा धो करके बद्रीनाथ धाम। तो अभी जा रहे हैं कमरा देखने, भैया बोले हैं देखते हैं कमरा दिखाएंगे ये। सो बस हो गया, रेडी होते हैं, चलते हैं तत्कुंड, वहाँ पे करेंगे स्नान। अब 6 डिग्री सेल्सियस में नहाना है, मुझे नहीं पता कैसे नहाएंगे, लेकिन नहाना तो है ही है। इसके बाद चलते हैं बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए। सारी बातें सही हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे फंस गई है कि अब लेटरिंग करने के बाद जो क्रियाकर्म करना होता है उसमें दोनों की फट रही है, क्योंकि ऐसे ही हमारे हाथ कांप रहे हैं, और पानी छूने में तो पता नहीं क्या होगा। छुआ जो तूने तो साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। भाई साहब मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। साले मुझे तो एक ही जाए, मैं दिक्कत हो रही है। एक मिनट पानी देखते हैं। क्यों हिला डाला ना? भाई साहब मेरी हालत नहीं है, मैं आज हगूंगा ही नहीं। हटाओ, मैं नहीं हगूंगा। हम तो भैया निकालेंगे। मैं नहीं निकालूंगा, मैं साला चित्रकूट में जाके निकालूंगा। रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। बस ठूसते रहूंगा और वहीं चित्रकूट में जाके निकालूंगा। भाई बहुत ठंडा पानी है यार। ये क्या बात करता है यार। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, हम लोग स्नान किए कि नहीं किए, हम लोग यहाँ पे कैसे आ गए। सो कहानी ये बनी कि एक्चुअली में वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने सोचा कि सुबह ही नहा लेते हैं, अभी जो है वो जल छिड़क के ऐसे ही बाहर से दर्शन कर लेते हैं बद्रीनाथ भगवान के, और कल सुबह नहा करके, कि बिकॉज वीडियोज़ भी नहीं आ पाएंगे साफ साफ, सो दैट्स व्हाई हमने डिसाइड किया कि सुबह एकदम 4 बजे आएंगे तड़के में और नहाएंगे, फिर इसके बाद दर्शन भी कर लेंगे, सब कुछ उसी टाइम पे होगा। अभी किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी नहाने की, हालांकि सुबह होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन यही डिसाइड हुआ है। सो अब दर्शन हो चुके हैं, अब जा रहे हैं कुछ खाना पीना खाएंगे, और फिर इसके बाद जाते हैं होटल रूम। -4 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, मेरी मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही अभी। तो भाई साहब 150 रुपये की थाली मिली है यहाँ पे, भूख बड़ी तेज लगी है, खा लेते हैं कुछ, फिर इसके बाद चलते हैं होटल, जाके सो जाना है, बिस्तर बांध के एकदम, बहुत ज़्यादा तेज ठंडी यहाँ पे।